और प्रदेश में 3 आईपीएस को डीजी से वापस एडीजी के पद पर पहुंचाने के मामले पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सारा ठीकरा पिछली सरकार पर फोड़ दिया है। ताम्रध्वज साहू ने कहा कि ये किसी को हटाने और रखने का मसला नहीं है, पिछली सरकार ने काम नियम मुताबिक नहीं किया था। गौरतलब है कि रमन सिंह सरकार ने 3 एडीजी मुकेश गुप्ता, आर के विज और संजय पिल्लई को आचार संहिता लगने के कुछ समय पहले प्रमोट करके डीजी बना दिया था, लेकिन राज्य में डीजी के इतने पद मंजूर नहीं हुए थे, न ही तत्कालीन राज्य सरकार ने इन्हें प्रमोट कराने से पहले केंद्र से मंजूरी ली थी, लिहाजा केंद्र ने इन्हें मंजूरी नहीं दी। ताम्रध्वज साहू ने नक्सलवाद पर भी बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। सरकार द्वारा किसी को हटाना या अलग रखने वाली बात नहीं है, नियमानुसार काम होना चाहिए। प्रश्न वो जो हुआ था नियमों के विपरीत काम हुआ था, इसलिए और लगातार उस पर जो कार्यवाही सरकार पिछली सरकार को करना चाहिए था उन्हें नहीं किया, उसको नियमानुसार कर रहे हैं। तो 2 हमारे डीजी सेंक्शन पोस्टेड, 2 और किया जा सकता, 4 हमारा वैधानिक है तो उतना किया जा सकता। अभी 5-5, 6-6 कर दिए थे, तो एक तो रिटायर हुए, कुछ हटेंगे, फिर नया सिरे से डीपीसी करके जो नियम अनुसार है उसके अनुसार 2 की पोस्टिंग, 2 को किया जा सकता।